कि हमारे और दूसरे भी सब आए हमारे साथ जश्न ईद मिलाद में शामिल हुए। हम सब एक मिल के रसूलल्लाह की उम्मत पास आए और हम आज दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को क्या हैदराबाद में और तमाम हिंदुस्तान और आलम में सैयदना साहब भी दुआ किए और हम भी दुआ करते रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कि हैदराबाद की और हैदराबाद के बाशिंदे रासीमा मुस्लिम उम्मत की बहुत तरक्की हो और अमन अमान शहर में जगत में बाकी रहे। हम सब हमारे खुसूसी मेहमान जो रसूलल्लाह की मोहब्बत में शरीक हुए हम सब एक है और आज ये एक इत्तेहाद का एक मुजाहरा है और हम रसूलल्लाह की मिलाद रसूलल्लाह की उम्मत है और आपकी मिलाद मना रहे और मनाते रहेंगे हमेशा लग। हम इसकी सबको मुबारकबादी हैदराबाद के बाशिंदों को भी मुबारकबादी और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं आप हम ये खुशी में जलसे में शरीक हुए। विलादत के मौके पर इस जश्न के मौके पर इस खुशी के माहौल में हम एकजुट होकर एक इतिहाद का पैगाम हमारे शहर हैदराबाद खास तौर पे हमारे पुराने शहर को देना चाह रहे हैं क्योंकि हर वो कम्युनिटी इस पुराने शहर से जुड़ी हुई है हर वो कम्युनिटी इस पुराने शहर के अमन और खुशहाली के लिए आगे आ रही है और खास तौर पे रियासत तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना अमन के पैगाम को हर घर पहुंचाना चाह रही है। इसी खुशी में हम भी हर माहौल में हर मजहब के हर तबके से जुड़कर हम अमन के माहौल को खुशी के माहौल को उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। यही हमारा आप सबसे पैगाम है कि हम अमन के पैगाम को आगे बढ़ाए हर घर पहुंचाए और मुत्तहिद होकर अपनी रियासत को अपने पुराने शहर को डेवलपमेंट में लाए और डेवलपमेंट के आगे बढ़ाए और मजीद जितना हो सके मुत्तहिद होने के लिए कोशिश करें। इस पैगाम को लेकर हमने यहाँ आया है सब मुस्लिमीन और रियासत जो हुकूमत तेलंगाना टीआरएस गवर्नमेंट तरफ से सब आप लोग आए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये जश्न मिलाद रसूलल्लाह कुरान में खुदा ने फरमाए वालदी पमा वलद रसूलल्लाह की विलादत की जिक्र कुरान में की है और रसूलल्लाह का मिलाद इस्लाम में ईद अकबर है और आज ये हम सब इत्तेहाद और मुत्तफिक होके ये जलसा किया है और हम दुआ करते हैं कि हैदराबाद की तरक्की और ज़्यादा हो और अमन अमान इस शहर में है पहले से है और ज़्यादा हो। जैसे सैयदना साहब की भी दुआ है आज
मुंबई में आप तशरीफ रखते हैं और आपने भी ये दुआ की है, तो हम और दुआ करते हैं इस सूबे के सदर के लिए भी दुआ करते हैं कि उनको भी अल्लाह पाक मदद दे और ये तेलंगाना रियासत की बहुत ज़्यादा तरक्की हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके वसीले से, और हैदराबाद की अमन अमान बाकी रहे और पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान बाकी रहे, ऐसी आज ये मुबारक मौके पर हम आने वाली दुआ है।